नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मोहन राकेश जी का यात्रा वृतांत आखिरी चट्टान। तो अब तक हमने पढ़ा कि लेखक किस प्रकार सैंड हिल से आगे सूर्यास्त का खुला दृश्य और समुद्र का पूरा खुला विस्तार देखने के उद्देश्य से अंतिम टीले तक पहुंच जाते हैं और वहां वे रंग बिरंगी जल के रंग बिरंगे रूप को देखते हैं, सूर्यास्त के दृश्य को देखते हैं और मन में बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। किंतु जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है उनका भय बढ़ने लगता है क्योंकि उन्हें अभी वापस भी लौटना था। और किस प्रकार लेखक वापस लौटते हैं, यहाँ तक हमने देखा कि सैंडल से बहुत आगे बहुत सारे टीले पार करके लेखक सूर्यास्त का दृश्य देखने पहुंच गए थे और सूर्यास्त के मनोरम दृश्य में वो डूबे हुए थे कि चारों ओर अंधेरा छाने लगा। वहाँ से लौटने के लिए उन अनेक टीलों को उन्हें पार करना था जिनसे होकर वे आए थे वहाँ। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम उससे आगे। रात, कैप होटल का लॉन, अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ स्याह लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ, नीचे सड़क पर टार्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी। मन बहुत बेचैन था, ये सब लेखक ने देखा है सब वहाँ। मन बहुत बेचैन था, क्यों बेचैन था लेखक का मन? बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह मन इतना बेचैन था कि पूरी तरह से भीगने के बिना, मतलब देखो एक तो मिट्टी बहुत अधिक बारिश के कारण पूरी भीग जाती है उसके बाद सूखती है और एक बिना भीगे भी उसे सूखना पड़े, यानी कि आधा अधूरा पानी मिले और फिर उसे सूखना पड़े, तो लेखक का मन भी इस तरह से बेचैन था। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहाँ रुकूँ। पर देखो यहाँ प्रश्न ये बनता है बिल्कुल, मन बहुत बेचैन था बिना पूरी तरह भीगे सूखी मिट्टी की तरह, तो लेखक का मन बेचैन क्यों था? ठीक है, कथन किस संदर्भ में आया है बिल्कुल प्रश्न बनता है यहाँ और करना है आपको, लिखना है। तो ये ऐसा लेखक को इसलिए लगा, लेखक का मन बेचैन इसलिए था क्योंकि जहाँ पर लेखक आए थे जगह उन्हें बहुत पसंद आई, अच्छी लगी थी, उनका मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहाँ रहूँ, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत यानी कि गलती कराया था कि लग रहा था वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। देखो क्या गलती की है उन्होंने, क्या भूल हुई है उनसे। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला था कि कनानोर से, देखो वो नहीं तो प्रश्न यहाँ फिर ये बन जाता है कि एक ऐसी हिमाकत कराया था कि लग रहा था वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। तो लेखक क्या हिमाकत कराए थे, कहाँ से उन्हें वापस लौट जाना पड़ेगा? तो देखो कहाँ से, अभी लेखक कहाँ है हमने बात की है, रात कैप होटल का लॉन, तो अभी कहाँ है लेखक, कैप होटल में। ठीक है, तो यहाँ से इन्हें वापस लौट जाना पड़ेगा। ऐसा क्या करके आए हैं, सूटकेस खोलने पर पता चला था कि कनानोर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे, यानी कि उन्होंने जो कुछ लिखा था वहाँ रह कर के कनानोर में, वे वहीं मेज की दराज में छोड़ आया हूँ। अब मुझे दो में से एक चुनना था, एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत, और दूसरी तरफ अपने हाथ के लिखे कागज जो शायद अब भी सेवाए होटल की एक दराज में बंद थे। तो देखो यहाँ पे ये प्रश्न सच में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक क्या गलती कराए थे या उन्हें कैप होटल से कनानोर वापस सिवाय होटल वापस क्यों जाना पड़ा? तो क्योंकि अपने लिखे हुए कुछ पन्ने वहीं भूल आए थे, वे उन्हें लेने के लिए उन्हें वापस जाना पड़ा था। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा जैसे कि पौधे की टहनियों या उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल रहा था। उनके हाशिए में बंद यानी कि उनके किनारों में बंद मानो महासागर का जो दृश्य दिखाई दे रहा है लेखक को, उसको देख कर के मानो लेखक को अपनी समस्या का हल मिल सकता है। तो कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेज़ी में गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज़ की रोशनी के ऊपर चमकते
सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। लेखक का गहरी सांझ के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज़ मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी, यानी कि लेखक के मन को सांत्वना मानो मिल रही थी। और अपने मन में उदास भी थे, अपनी इस भूल के कारण दुखी भी थे लेखक। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी। कहाँ से, उस जगह पे जहाँ पे वे थे अभी। हाँ, लेकिन उससे भी ज़िद्दी एक और रोया था। ये रोया जो है मन की किसी कोने की बात हो रही। मन का एक विचार तो उन्हें यहाँ से जाने नहीं देगा, लेकिन मन का एक और विचार भी था कि दिमाग के किसी कोने में अटका जो सुबह वहाँ से आने जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। क्यों? क्योंकि लेखक को वहाँ जाना था। उन्होंने जो लिखा था वो वहीं पर छूट गया था। उसे लाना लेखक के लिए अनिवार्य था। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया में साथ टाइम टेबल की हिंद से जुड़ते जा रहे थे, यानी कि टाइम टेबल का क्रम जो था वो जुड़ता जा रहा था लेखक के इन ख्यालों के साथ। देखो, हिंद से का क्या मतलब होता है, यानी कि अंक क्रम से, जैसे 1, 2, 3, तो अरबी भाषा में इनको क्रम को क्या कहते हैं, हिंद से कहते हैं। ठीक है, तो फिर देखें यानी कि कौन सी जो गाड़ी है वो कितने बजे जाएगी, ये सारे क्रमवार लेखक के मन में टाइम टेबल जो था वो आता जा रहा था। पहली बस 7:15, दूसरी 8:35, तीसरी थोड़ी देर में बस लौट गई। गीत के स्वर विलीन हो गए और मन में केवल हिंदसों की चरखी चलती रह गई, यानी कि वो क्रम ही दिखाई देता रह गया था। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में, तो देखो वहाँ की आबादी कितनी थी, 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो क्या है, बेकार है। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट है। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना। देखो क्या है मुख्य धंधा, देखो व्यंग्य हमारी बेरोजगार स्थिति पर देश की। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद वहाँ फ़ोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं, देखो भोजन क्या है उनका, सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं, यानी कि दार्शनिकों के सिद्धांतों पर बहस चलती है इनकी। वह कह रहा था इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गूदा मुंह में डाल दिया, यानी कि क्या खाते हैं वो, सीपियों का गूदा खाते हैं। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिल मिलाकर छोटे छोटे दियों की तरह समुद्र में बिखरी श्याह चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अधरे देने, अधरे बोले तो समुद्र सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा को अधरे देना कहा जाता है, तो अधरे देते थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे सरकारी मेहमानों को, देखो उसके गेस्ट हाउस के बेरे क्या कर रहे हैं, सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे हैं। दो स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही हैं। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बायनाक्यूलर्स यानी कि दूरबीन से सूर्य दर्शन भी कर रहे थे। देखो यहाँ ये प्रश्न भी बन जाता है कि वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, तो देखो कौन से काम साथ साथ कर रहे थे, कि वो बायनाकुलर से सूर्य दर्शन भी कर रहे थे और जो स्त्रियाँ मालाएं और शंख बेच रही थी उनसे भावतोल भी कर रहे थे। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था कि यहाँ पे इतने लोग बेकार है, बेरोजगार है। बहुत से कडल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। देखो कडल काक क्या है, समुद्री पक्षी है एक, बहुत सारे कडल काक तैर रहे हैं हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग, यानी कि इनसे इनको कुछ भी लेना देना नहीं था। किनको, उन कडल काकों को जो वहाँ पर समुद्र के पानी में तैर रहे थे। तो देखो क्या कहते हैं लेखक,
यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनको वहाँ के लोगों की बेकारी का ज्ञान नहीं था और ना ही वे सूर्योदय की विशेषता और सुंदरता को जानते और समझते थे। ठीक है, मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं थे, यानी कि उधर जाना नहीं चाहते थे मल्लाह, क्योंकि भयभीत थे वे, डरते थे, उन्हें डर लगता था। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था, जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज़्यादा। इस नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ जाती थी कि लगता था नीचे आने तक ज़रूर उलट जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था, यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती है। कहाँ, उस चट्टान पर से लोग बहुत सारे आत्महत्या कर लेते हैं। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूद कर आत्महत्या कर ली थी, ऐसी बात कहता है लेखक को वो मित्र कहता है। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट कर दिया। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था, मैं आँखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है। तो देखो, मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट कर दिया, यानी कि लेखक ऐसा क्यों किया लेखक ने, क्योंकि लेखक का ध्यान जो था वो उसकी बात की तरफ नहीं था। उसका तो ध्यान इस बात की तरफ था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है, यानी कि किनारे और नाव के बीच अब फासला दूरी कितनी रह गई है। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। तो देखो, मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था, मैं आँखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला रह गया। ऐसा क्यों, क्योंकि वो रास्ता जो था बहुत खतरनाक था, यानी कि जिस रास्ते से लेखक आए थे उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। तो नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठती है, मानो लगता था कि नीचे आने तक ज़रूर ही उलट जाएगी। इसीलिए लेखक का ध्यान उसकी बातों की तरफ ना होकर के किनारे और नाव के बीच की दूरी की तरफ था कि कितना फासला रह गया है। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई। भंवर पानी की जो गांठ होती है समुद्र में, तो हाँ, भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल भी गई। इससे पहले कि मल्लाह उसे संभाल पाते, वह फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा और किसी चीज़ की चेतना नहीं रही। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। ये अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से मैं नहीं कह सकता। ये लेखक को नहीं समझ में आया कि स्वयं ही प्राकृतिक रूप से निकली बाहर या मल्लाहों ने प्रयास करके उसे बाहर निकाला। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छू कर आए हैं जिस पर से कूद कर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए। यानी कि लेखक के लिए वो चट्टान आकर्षण का केंद्र नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने प्राणों की चिंता थी। ये भी वहाँ पहुँच कर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले ले गए थे। ठीक है, तो ये भी वहाँ जाकर के फिर ये बात जानने का प्रयास किया, क्योंकि रास्ते भर लेखक का ध्यान इसी बात की तरफ था कि हम सही सलामत घाट पर पहुँच जाएँ, इसलिए किसी बात पर उनका ध्यान नहीं था। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियाँ बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कटल काकों के पंख एक से चमक रहे थे। बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित हो रहा था। मैं अब भी आँखों से बीच की दूरी नाप रहा था, यानी कि अभी लेखक को बहुत नज़दीक आ गए थे घाट के, किंतु फिर भी अभी लेखक का ध्यान उसी तरफ था।
और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी इतने टाइम पर, पांचवी इतने टाइम पर, ये टाइम टेबल दोहरा रही थी। क्यों? इसका कारण क्या? क्योंकि लेखक को कहाँ जाना था? कनानोर लौटना था। उसके बाद एक शाम और वहाँ रुककर कनानोर लौट गया। वहाँ जाकर अपने लिखे कागज मिल तो गए, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। कागजों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। तो देखो, कनानोर जब लेखक आए तो वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उन्हें कागज़ मिले तो सही अपने, लेकिन उनकी हालत क्या हो गई थी कि चौकीदार ने उन्हें मोड़कर कॉपी बना ली थी, अपने हिसाब से काम में लेने लग गए थे। तो कागजों पर लिखाई एक तरफ थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। जब मैंने वह कॉपी उसे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। तो देखो, कन्याकुमारी पहुंचकर सूटकेस खोलने पर लेखक को निराशा क्यों हुई? क्योंकि अपने लिखे हुए 8-9 पेज जो थे, जो उसने कनानोर में रह करके लिखे थे, उन्हें वो वहीं कनानोर में ही भूल कर आ गए थे, इसीलिए लेखक को निराशा होती है। तो लेखक को जितनी निराशा वहाँ पहुँच कर के अपना सूटकेस खोलने पर हुई थी, उससे भी कहीं अधिक निराशा जब लेखक ने उससे कॉपी ली, चौकीदार से जब कॉपी वापस ली, तो उस चौकीदार को उससे भी अधिक निराशा हुई। चौकीदार को अधिक निराशा क्यों हुई? क्योंकि वो उसके अच्छी उपयोग हो रही थी, कॉपी बहुत अच्छा काम दे रही थी, किंतु अब वो वापस लेने के लिए आ गया, तो उसे बहुत अधिक निराशा होती है। तो देखें, इस तरह से अपने ये हो गया आखिरी चट्टान, मोहन राकेश का बहुत सुंदरता से वर्णन था यात्रा वृत्तांत का। आखिरी चट्टान यानी कि, हाँ, अब देखिए प्रश्न करने हैं आपको, अभ्यास के प्रश्न जो पीछे बच गए हैं वो सारे ही आपको कर लेने हैं। एक प्रश्न देखें आप लिखें, और टीले से नीचे फिसल कर समुद्र तट पर पहुंचने पर लेखक ने बढ़ते हुए अंधेरे की बात क्यों भुला दी? यानी कि पहले तो भयभीत हो रहे थे अंधेरे के कारण, बढ़ते हुए अंधेरे के कारण, किंतु अब ऐसा क्या देख लिया उन्होंने कि अंधेरे की बात भी भूल गए वो? तो देखो, समुद्र तट पर पहुंचने पर लेखक को स्मरण नहीं रह गया कि अंधेरा बढ़ता जा रहा है और वहां से जल्दी लौटना ज़रूरी है। इसका कारण ये था कि उसका ध्यान जो था वो किनारे की रेत की ओर था। उस रेत की जैसे रंगों वाली रेत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग रंग की रेत थी, एक ही रंग के अनेक रंगों की झलक थी उस रेत में। वहाँ अनेक और भी ऐसे रंग थे जिनको कोई नाम भी हम नहीं दे सकते। ऐसे रंगों की रेत देखकर लेखक बहुत रोमांचित हो जाता है और वह उस रेत को अपने हाथों से मसल रहा है और पैरों से रौंद रहा है, और इसके चलते वो सूर्यास्त के समय होने वाले अंधेरे को भी भूल गया था, अंधेरे के भय को भी भूल गया था। और प्रश्न देखें आप, सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। देखो, यात्रा वृत्तांत है, आप कम रुचि लेते हैं यात्रा वृत्तांत जैसी गद्य विधा में, और इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं आपके। मैंने बताया आपको जैसे कि एक एक पंक्ति से प्रश्न उठता है। तो देखें, हमने पढ़ा था सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ, तो लेखक को खतरे का एहसास क्यों हुआ? मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आपके पास होगा। तो सूर्य छिपने पर तट पर अंधेरा छाने लगा था, समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई कम होती जा रही थी, समुद्र का जो पानी था वो समुद्र के किनारे के हिस्से से बाहर आ रहा था, ठीक है। अचानक एक लहर आई और लेखक का पैर भीग गया, तो सहसा उसको खतरे का एहसास हुआ। उसको लगा कि तट का शेष भाग भी जल्दी ही पानी में डूब जाएगा, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, लेखक ने जब उसे खतरे का एहसास हुआ तो उन्होंने क्या किया, तो खतरा भाँप कर पहले वह तेज तेज चलने लगे, फिर दौड़ने लगे। उसने जूता उतार कर हाथ में ले लिया ताकि दौड़ने में बाधा उत्पन्न ना हो। अब देखो, फिर प्रश्न बताया था मैंने, रात में कैब होटल के लॉन में बैठे हुए लेखक के मन में बेचैनी क्यों, बेचैनी होने के कारण क्या था?
कारण ये था कि कन्याकुमारी लेखक को अच्छा लगा था, वहाँ वो कई सप्ताह रहना चाहते थे, परंतु अपने भुलक्कड़पन के कारण वो अपने लिखे हुए 80-90 पन्ने कनानोर के सिवाय होटल की मेज़ की दरार में छोड़ आए थे। अब उसे तुरंत वहाँ लौट जाना था उन्हें वापस लेने के लिए। उसके मन की बेचैनी का कारण यह था कि वो तय नहीं कर पा रहे थे कि कन्याकुमारी के समुद्र तट पर रुके या कनानोर लौट जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है, बिल्कुल आपको करना है कॉपी में। अब देखो, एक बहुत सुंदर प्रश्न ये भी है कि आप चाहे कॉपी में ना करें किंतु ध्यान से सुने। गीत के स्वर विलीन हो गए और मन में केवल हिंदसों की चरखी चलती रह गई, कथन से लेखक की किस मनोदशा का परिचय मिलता है? तो देखो, एक तरफ होटल के कंपाउंड में एक बस आकर के रुकती है, उसमें बैठी लड़कियां अंग्रेजी में गीत गा रही थी और इस गीत से लेखक की कन्याकुमारी में रुकने की इच्छा को और अधिक ताकत मिल रही थी। यद्यपि उसके दिमाग में वहाँ से सवेरे ही कनानोर लौट जाने का विचार बार बार उठ रहा था, तो एक ओर तो वहाँ रुककर समुद्र के प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहते थे और दूसरी ओर अपने लिखे हुए पन्नों को भी वापस पाना चाहते थे। तो गीत के स्वरों के साथ उसके दिमाग में बसों का टाइम टेबल भी उभर रहा था। बस चली गई, गीत का स्वर बंद हो गया, लेकिन लेखक के मन में बसों के आने जाने के समय की पुनरावृत्ति होती ही रही। ठीक है, ये प्रश्न इतने आपको करने हैं, अभ्यास के प्रश्न करने हैं, जो प्रश्न आपको लिखाए हैं बिल्कुल वो करने हैं। इसी के साथ आज का वीडियो पूरा करते हैं। धन्यवाद।